नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। लोकसभा चुनावों का बिगुल बजते ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है और जीत का सहरा बांधने के लिए जीत की तैयारी भी शुरू कर दी है। चुनाव हो और राजनीतिक बयानबाजी ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार कर्नल मानवेंद्र सिंह को उतारा है। वहीं मानवेंद्र की जीत को लेकर हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए वरिष्ठ नेता सफी खान समा तामलियार का क्या कहना है, आप भी सुनिए। जी बताइए। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी का शुक्रगुजार हैं कि हमारे कर्नल मानवेंद्र सिंह जी को लोकसभा का टिकट दिया, और सारे एमएलए हैं उनके भी शुक्रगुजार। अमीन खान साहब है, हरीश चौधरी साहब है, पद्मा राम जी है, मेवा राम जी जैन है, मदन प्रजापत जी हैं, जितने भी विधायक कांग्रेस के बाड़मेर जैसलमेर के रहे उन्होंने पूरा पूरा रूपाराम जी है इन्होंने पूरा पूरा सहयोग किया कर्नल मानवेंद्र सिंह जी का, और राहुल जी और अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, सारे कांग्रेसियों को हम शुक्रगुजार हैं कि कर्नल मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी से लोकसभा से टिकट दिया, उसके लिए हम आभार हैं और धन्यवाद। मानवेंद्र सिंह जी, लोग बता रहे हैं कि पैराशूट रहे, कांग्रेसी बता रहे हैं और कुछ विरोधी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने पैराशूटर को टिकट दिया है, सीधा आसमान से उतर गएंगे। ये जो दूसरे लोग जो बता रहे हैं पैराशूट नहीं, ये ऐसा नहीं। कर्नल मानवेंद्र सिंह जी एक किसान जैसा लगता है, आपने देखा भी होगा उनका लेवास, उनका पैरवास, उनका जैसे अपने बाड़मेर जैसलमेर की पुरानी परंपरा, पैरवास की धोती खमीज साफा, हमेशा चाहे प्लेन हो चाहे जहाज हो चाहे कहीं भी कोई भी जगह जाते हैं तो अपना पैरवास अपने इस जैसलमेर बाड़मेर का राजस्थान का एक पैरवास उनके लेते रखते हैं, और एक बहुत ही अच्छे और साधारण आदमी है और छत्तीसी कौम के चाहने वाले हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में रिजल्ट को लेकर? लोकसभा चुनाव मानवेंद्र सिंह भारी मतों से जीतेंगे भी सही और लोगों की समस्या को हल करेंगे। पेयजल की समस्या उनका भी उनका यही रहा है कि हमें पेयजल की समस्या को हल करना है, पशुपालन का उनका हल करना है, और जो भी लोगों की दिक्कतें और तकलीफें उनका पूरा पूरा मानवेंद्र सिंह जी पूरा सहयोग करेंगे और उनका मसला हल करेंगे। पिछले चुनाव में अमीन खान के खिलाफ थे और इस बार साथ है, कैसे बनेगा अपन संतुलन? देखो आपकी बात सही है, अमीन खान ये पार्टी होती है, जब अमीन खान के खिलाफ रहे तो खिलाफ रहे, जब वो पार्टी अलग में थे उसके बाद में अभी अमीन खान के साथ हैं, और अमीन खान ने बहुत अच्छी मेहनत करी है कर्नल मानवेंद्र सिंह के लिए। अभी सारे कांग्रेसी साथ में है और कांग्रेस में जुड़ गए हैं तो अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के ही गीत गाएंगे। आपको क्या लगता है जीत का आंकड़ा कितने पार होगा? सामने मोदी लहर, नरेंद्र मोदी जैसा स्टार प्रचारक और मानवेंद्र सिंह जी के लिए कितनी चुनौती मानते हो? देखो बाड़मेर जैसलमेर में कोई लहर वहर नहीं होती है, बाड़मेर जैसलमेर की पब्लिक बहुत बड़ी होशियार है और बाड़मेर जैसलमेर की कर्नल मानवेंद्र सिंह जी को भारी मतों से जिताएगी और बहुत अच्छे मतों से उनकी विजय होगी, जिसमें कोई शक नहीं है। आप घूम रहे हो, मीडिया वाले पूरे क्षेत्र में घूमते हो, गांवों गांव हर एक छत्तीस कौम के बच्चे बच्चे के मुंह पे है कि इस फेरी कर्नल मानवेंद्र सिंह को भारी मतों से जीता के दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली दरबार को जरूर दिल्ली में लोगों की समस्या हल करेंगे।